हिंदू बेवकूफ है। मस्जिद बनेगा वहाँ पे, मस्जिद ही पहले तो मस्जिद ही बनना चाहिए। जगह मुसलमानों की है तो मुसलमानों को दे दिया। मैं होल फेस कहना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, उस फैसले में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या को लेकर कहा है कि 3 मीडिएटर रखे जाएंगे, जो फैसला करेंगे इनके बातचीत जो फैसला हो वही हो, राम मंदिर बनना चाहिए या बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। तो आइए आज जानते हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि उनकी क्या राय है। अयोध्या में जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर जो चल रहा है विवाद, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 मीडिएटर रखे जाएंगे, ठीक है, 3 मीडिएटर के जरिए बातचीत को लेकर फैसला होगा। क्या मुस्लिम समुदाय के लोग इस फैसले को स्वीकार करेंगे? क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए कि जो हक बात है, अगर वो जगह मुसलमानों की है तो मुसलमानों को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से फैसला करे ना। मीडिएटर की बात तो ऐसी है कि पहले कई बार हो चुका है ये सब, और मुझे नहीं लगता कि पहले भी कोई फैसला हम लोग कर पाए थे मिलके भी, और आज भी शायद कर पाए। मुसलमानों को संविधान तो मानना चाहिए और हम बिल्कुल मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मानना ही चाहिए। और मध्यस्थता तो सही है, मिलजुल करके देश का जो होना चाहिए, देश को तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए। तो जब तक हम लोग ना मिल के चलेंगे काम नहीं बनेगा। तो हम लोग को चाहिए कि मिलजुल करके जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी लोग आ रहे हैं, जो फैसला करें उसको मानना चाहिए। मुस्लिम तो हमेशा मानने के लिए तैयार है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं वो नहीं मानना चाह रहे। अब ये तो एक पॉलिटिक्स है कि हमें वहाँ मस्जिद चाहिए, मंदिर चाहिए, ये तो शुरू से पॉलिटिक्स उसी के नाम पे होते रहा है इनका। तो और क्या चाहिए बताइए? मस्जिद बनेगा वहाँ पे, मस्जिद बनेगा जी, मस्जिद टूटा है, मस्जिद बनेगा। इससे बेहतर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद ही अपना फैसला करना चाहिए सबूतों के आधार पे, और जिसकी वो जगह हो उसको दे दे, मस्जिद की जगह है तो मस्जिद को दे दे, मंदिर की जगह है तो मंदिर को दे दे बनाने के लिए। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के लग रहा है कि मीडिएटर बना के और हम कोई कमेटी बना के आपस में फैसला कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कर लें, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो ऐसे मुसलमान, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हक बात है वो करें। नहीं, ये तो गलत बात है। राम तीन से शुरू में ही अपना मस्जिद हुआ है, ये तो आदित्य राम मंदिर रहते अगर सुप्रीम कोर्ट अभी अध्यक्ष होता है तो इतने हिसाब आधा तो मस्जिद ही, पहले तो मस्जिद ही बनना चाहिए, बाद में चाहे तो पीछे अपना मंदिर भी बना सकते हैं। वो संविधान को नहीं मानना चाहते हैं, ये तो भाई दादागिरी और कुछ नहीं है। उनके बोलने क्या, उनको तो वोट चाहिए, वोट के लिए सब कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये जान रहे हिंदू संगठन, दूसरी संगठन तो मान रही है कि हाँ बंदिश्ता होनी चाहिए, सिर्फ वो अकेले चाह रहे हैं कि भाई ये करना क्या है कि उनको वोट लेना है, जब ये बोलेंगे तो वोट उनको मिलेगा। भाई हमारे देश के हिंदू भी समझते हैं, ऐसा नहीं है, हिंदू बेवकूफ़ है, वो बिल्कुल इस बात को समझ रहे हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू इस बात को समझ रहे हैं। कुछ लोग देश में गंदगी फैलाना चाहते हैं तो क्या कह सकता है। हम भी मस्जिद के अलावा कुछ नहीं बनने देंगे। अच्छा, मस्जिद के अलावा भी कुछ नहीं बनने देंगे? बनने देंगे तो खाली है, वैसे रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में है, वापस फिर से फैसला वहीं पे जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वो होगा, फिर हम मानेंगे हम वो भी। केंद्रीय मंत्री उमा भारती का कहना है कि वहाँ पर राम मंदिर ही बनेगा, अगर राम मंदिर नहीं बनता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं बनने देंगे। नहीं, ये तो फिर गुंडागर्दी है ना। आप गुंडागर्दी में कुछ भी कह सकते हो, फिर उसका तो कोई जवाब हमारे पास नहीं हो सकता। इसका मतलब तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करते, फिर आप अपने आप को झूठा राष्ट्रभक्त कह लो, जो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं कर सकता, और वो कहता हम अपनी मर्जी से वो राम मंदिर ही बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, तो फिर ये गुंडागर्दी है। और इसको फिर आप अपने आप को फिर यह मत कहना बंद कर दीजिए कि हम राष्ट्रभक्त हैं, तो आप देशद्रोही हुए ना, जो आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, तो इसका कोई इलाज नहीं है। पहले तो मस्जिद ही बनना चाहिए, पहले मस्जिद, लेकिन वो तो बोल रहे मस्जिद तो बनने ही नहीं देंगे हम, मंदिर ही बनेगा हमारा। नहीं, ये तो राजनीतिक मुद्दा है, अपने अपने चुनाव जीतने के लिए, ये तो गलत है। अगर मस्जिद नहीं बनके राम मंदिर ही बनता है तो क्या आप मुस्लिम लोग कुछ करेंगे? क्यों, बिल्कुल करेंगे। जब चुनाव आते हैं तभी अयोध्या का मामला क्यों उठता है? तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। चार साल, साढ़े चार साल गुजार दिए, कुछ किया तो नहीं, अब लेना वोट है हमको, उनको वोट लेना है तो क्या करेंगे बताइए? वही मंदिर है, मस्जिद है, रोड है, यही सब करना है, लड़ना झगड़ना हो। ये फैसला तो कितने सालों से चला आ रहा है, ये चुनाव के वक्त ही फैसला क्यों उठता है जी? ये इस पे पॉलिटिक्स हो रही है, लोगों को चुनाव जीतना है इस मुद्दे पे, और बाद में फिर वही करना है जो उनकी मर्जी में आए। आपको क्या लगता है ये इस बार कुछ सुझाव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं, इस बार भी कुछ नहीं होगा। लेकिन हिंदू संगठन जो है, जो मध्यस्थता जो हुई है उस पे वो लोग राजी नहीं है, वो लोग कह रहे हैं, एक अपने केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बयान सामने आया है, उन्होंने ये कहा है कि अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो बनने कुछ भी नहीं देंगे। तो संविधान से ऊपर है क्या वो? दोनों ही होना चाहिए। ओके भैया, राजनीतिक मुद्दा है ना, ये फैसला क्यों उठता है? जब चुनाव आते हैं तभी ये फैसला क्यों उठता है? ये तो इतने सालों से चलता हुआ आ रहा है कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद, राम मंदिर बाबरी मस्जिद हुआ तो कुछ नहीं, निष्कर्ष तो कुछ नहीं निकलता है, क्यों नहीं निकलता है?
वो अपना अपना चुनाव जीतने चलिए कि वो लोग अपने आपस में बातचीत करके फैसला करेंगे कि राम मंदिर बनेगा या बाबरी मस्जिद बनेगी। क्या आप इस चीज़ को स्वीकार करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे भाई? ये 420 है और क्या, गवर्नमेंट 420 है, फ्रॉड है। मैंने देखा, ये थी मुस्लिम समुदाय के लोगों की राय। कैमरा पर्सन गीतांशु धीमन के साथ मैं अल्फैज खान, वीके न्यूज़।